हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतिक चंदेल एंड रिसेंटली मैं अपनी एमबीबीएस की स्टडी जो है फॉरेन से इन कजाकिस्तान आईएमएस से अपनी एमबीबीएस की स्टडी परस्यू कर रहा हूँ और मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे कि अब पढ़ाई की बात रही, पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, इंडियन फैकल्टी आप सबको पता ही है, आप लोगों ने सर्च भी करा होगा, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही फैसिलिटीज़ की बात, जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो सिटी के सेंटर में है। सिटी के सेंटर में तो आप लोगों को पता होगा और आप लोग समझते भी हैं कि अगर सिटी के सेंटर में यूनिवर्सिटी है तो आपको किसी भी फैसिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो हमारे फैकल्टी है वो बहुत केयरिंग है, एवरीथिंग इज़ गुड। एंड ऑल्सो जैसे कि आप समझते हैं एक करेंसी फैक्टर है, करेंसी फैक्टर और लेते हैं तो यहाँ की करेंसी इंडियन करेंसी से जो है कम है, आप लोगों को पता है, ये चीज़ आप लोगों ने देखा है। हम बस में जो है बसेस चलती हैं, टैक्सी चलती हैं, उनका किराया बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इंडियन 14 से 15 रुपए में पूरा शहर घूम सकते हैं बस के द्वारा, सबसे बड़ी बात ये है। और यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, लोग अच्छे हैं और पेरेंट्स को यही चीज़ चाहिए होती है कि एक पढ़ाई सबसे अच्छी हो, खाना पीना अच्छा हो और फैसिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बच्चों को। हम लोग जैसे टैक्सी भी बुक करते हैं कहीं जाने के लिए तो 1 से 2 मिनट में टैक्सी ऑन द लोकेशन आ जाती है। और खाने पीने का सामान, ग्रॉसरी शॉप्स, बेकरी शॉप्स, एवरीथिंग। और फन भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा। और एक और बात, बहुत से लोग थे ऐसे यहाँ पे कजाकिस्तान में मेरे नोन में, जो लोग जो हैं और भी यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो है आईएमएस को चूज़ करा और मुझे गर्व है कि मैंने आईएमएस को चूज़ करा है अपनी स्टडीज़ के लिए। और थैंक यू वेरी मच इस चीज़ के लिए, थैंक यू।